हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन एकेडमी। तो स्वागत है आप सभी का इस सेशन में, दैट इज 8 मिनट कॉन्सेप्ट ल्यूक वार्म वाटर। तो हम लोगों ने जैसे प्रॉमिस किया था आपको कि हम लोग मैं आपके लिए थर्मोडायनेमिक्स लेके आऊंगा, तो यस आई कम विद द थर्मोडायनेमिक्स। और सबसे पहले हम लोग थर्मोडायनेमिक्स करेंगे, उसके बाद हम लोग बाकी के सेशंस करेंगे, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट यही है कि हम लोग जस्ट 8 मिनट में रिविजन स्टार्ट कर रहे हैं और सुबह सुबह आपको जस्ट जग के केवल केवल इसको रिवाइज करना है। नो नोट शुड बी देयर, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, आपको जस्ट रिवाइज करना है। और आई वॉन्ट कि जब आप 30 दिन पूरा का पूरा पढ़ लेंगे तो विद इन 4 आवर्स आपके पास पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट रहेंगे, उनको आप ग्रैप करके रखोगे, ठीक है। तो आई विश कि ये जो कॉन्सेप्ट हैं आपके लिए बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। मैं आपको पूरा का पूरा थर्मोडायनेमिक्स जो है वो विद इन 4 आवर्स रिवाइज करने वाला हूं, दैट इज अंडर 30 डेज, ठीक है। सो जस्ट इसको एंजॉय करिए और आई विश कि आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम लॉस नहीं करेंगे, कल से मैं आपको ये भी नहीं बताऊंगा, आई होप कि मतलब सब लोग सो के जगह होंगे, तो सबको गुड मॉर्निंग। और कल से हम लोग डायरेक्टली इसको स्टार्ट क्या करेंगे। सो दिस इज जस्ट हम लोग बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं दैट इज ऑन थर्मोडायनेमिक्स, दैट कि व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करें तो एक बहुत डिटेल्ड स्टडी, मतलब हम लोगों ने तब से स्टार्ट किया था जब से हमने पहली बार खाना पकाने की बात की थी। और खाना पकाने में हमने पहली बार जब हम पत्थर से जस्ट हीट को हमने यूटिलाइज किया था, पत्थर वाली हीट से चिंगारी उठी थी, हीट को यूटिलाइज किया था। और उस हीट को यूटिलाइज करने के बाद हम लोग धीरे 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 धीरे, हमें कुछ नहीं पता था, हम लोग पढ़ते गए, फिर हमने ये चीज पहली बार सोची कि हीट से हम वर्क कर सकते हैं, फिर हमारे पास सेकेंड रिवोल्यूशन आया, तब हमने हीट के बारे में पढ़ा, फिर हमारे पास जब सेकेंड रिवोल्यूशन आने के बाद हीट के बारे में पढ़ा, फिर हीट को यूटिलाइज करना सीखा। तो वहां से लेके यहां तक की पूरी स्टडी, जब हम मतलब हमने 10,000 ईयर्स पहले पहली बार जाना था कि हम पत्थर से जस्ट आग जला सकते हैं या हीट को यूटिलाइज कर सकते हैं, वहां से लेके हीट को वर्क में कैसे कन्वर्जन करते हैं, ये पूरी की पूरी स्टडी, इसको हम थर्मोडायनेमिक्स के नाम से जानते हैं। थर्मोडायनेमिक्स की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो कुछ भी नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स इज व्हाट इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द एनर्जी ट्रांसफर एंड इट अफेक्ट्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। मतलब मेरा ये बॉडी है, इस बॉडी से जो भी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, इसकी वजह से जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे जो भी चेंज आ रहा है, इस स्टडी को हम थर्मोडायनेमिक्स का नाम देते हैं। अगर हम इसी स्टडी पे बेटा थोड़ा सा आगे बात करें तो हमने बोला कि एनर्जी ट्रांसफर के 2 मीडियम होते हैं। 1 मीडियम इज नॉन एज हीट एंड अनदर मीडियम इज नॉन एज वर्क। फर्स्ट मीडियम इज नॉन एज हीट, अनदर मीडियम इज नॉन एज वर्क। तो हीट एंड वर्क आर द 2 मीडियम टू ट्रांसफर द एनर्जी। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, जब हम हीट एंड वर्क में बात करते हैं तो मुझे ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर है कि अगर मैं हीट की बात करता हूं, अगर मैं यहां से जस्ट बोलूं कि मेरे पास हीट है, तो ऑब्वियसली इट इज बट ऑब्वियस कि जैसे हमने किसी भी सिस्टम पे हीट सप्लाई करते हैं तो सिस्टम के मॉलिक्यूल इधर उधर उधर सब भागना शुरू करते हैं। जब मॉलिक्यूल भागना शुरू करते हैं तो मतलब मॉलिक्यूल्स के पास अपनी कोई डायरेक्शन नहीं रहती है, और इस वजह से हीट जो होती है दैट इज लो ग्रेड एनर्जी, हम लोग जो बात कर रहे हैं दैट इज हीट। और हीट को हम लोग यहां से जस्ट बोलते हैं कि एक डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रहती है, कभी भी इसका ऑर्गेनाइज्ड मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल नहीं मिलता है, ये हमेशा एक डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रहती है। इसी वजह से हम इसको डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी बोलते हैं, इसको हम डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी बोलते हैं। और डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी के अलावा हीट को जब हम यूटिलाइज करते हैं तो हम वर्क निकालते हैं, और इसी वजह से हम इसको यहां से जस्ट बोलते हैं सर जो भी हीट है वो पूरी की पूरी प्योरिफाइड फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं है, इट इज अनप्योरिफाइड फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हम लोग यहां से जस्ट इसको ऐसे बोल देते हैं कि दिस इज नथिंग, दिस इज व्हाट अनप्योरिफाइड फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो ये हमारे पास हीट के बारे में। सिमिलरली वर्क के बारे में बात करें, वर्क को जिस डायरेक्शन में करना चाहोगे वो उसी डायरेक्शन में मिलता है। वर्क को आपने ऐसे जस्ट दिया तो मॉलिक्यूल का मोशन ऐसे, ऐसे डायरेक्शन में दिया तो मॉलिक्यूल का मोशन ऐसे, आप यहां से इसको उठाना चाह रहे हो तो मॉलिक्यूल का मोशन ऐसे। इसका मतलब वर्क की एक फिक्स डायरेक्शन होती है, और फिक्स डायरेक्शन होती है इसी वजह से वर्क को आप यहां से बोलते हो कि ये हाई ग्रेड एनर्जी है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये आपके पास हाई ग्रेड एनर्जी है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, मतलब ये प्योरीफाइड फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिससे आप हीट से यूटिलाइज करके आपने निकाला है, ठीक है। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे, हीट एंड वर्क। चलिए थोड़ा सा आगे और चलते हैं, हीट और वर्क के बाद जस्ट अगर मैं बात करूं तो आपने बेसिक पढ़ा है, जिसमें आपने पढ़ा है सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, आपने पढ़ा है बाउंड्री क्या होता है। सिस्टम की अगर बात करूं तो मैं बहुत आराम से बोलता हूं कि द रीजन अपॉन विच स्टडी इज फोकस, वो रीजन जिसपे हम अपनी स्टडी फोकस करते हैं, दैट रीजन इज नॉन एज सिस्टम। सराउंडिंग की बात करूं तो एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज नॉन एज सराउंडिंग। बाउंड्री की बात करूं तो सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नॉन एज बाउंड्री। बाउंड्री आपकी
रिजिड हो सकती है, बाउंड्री आपकी फ्लेक्सिबल हो सकती है, बाउंड्री आपकी रियल हो सकती है, बाउंड्री आपकी इमेजिनरी हो सकती है, बाउंड्री आपकी इमेजिनरी हो सकती है। बिल्कुल बेसिक है, जब कॉन्सेप्ट आएंगे तो आपको मजा आएगा। बिल्कुल यहां से जस्ट बात कर, रिजिड, रिजिड कंटेनर, फ्लेक्सिबल आप बलून देख लीजिए, फ्लेक्सिबल बाउंड्री, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट देख लीजिए, फ्लेक्सिबल बाउंड्री। रियल की बात करें तो रियल बाउंड्री क्या है, हमने जस्ट बोला कि कुछ भी जो भी रूम है रियल बाउंड्री, इमेजिनरी हमने जस्ट मान लिया कि इस रूम में पार्टीशन है, इमेजिनरी। ठीक है, सो बाउंड्री कैन बी रिजिड, बाउंड्री कैन बी इमेजिनरी, बाउंड्री कैन बी रियल, बाउंड्री कैन बी फ्लेक्सिबल। ठीक है, सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री एंड द कंप्लीट कॉम्बिनेशन, जिसमें हम लोग बात करते हैं सिस्टम, है ना, एंड सराउंडिंग, सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री, दिस कंप्लीट कॉम्बिनेशन इज नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज सर यूनिवर्स। आई होप कि मतलब ये आपको पता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री से थोड़ा सा ऊपर उठते हैं। हम लोग जब भी किसी सिस्टम सराउंडिंग की बात करते हैं तो सर हम इसको स्टडी कैसे करते हैं, हमने बोला हम सिस्टम और सराउंडिंग पढ़ना चाहते हैं, लेकिन दो टाइप से स्टडी करेंगे, एक हम लोग बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक, एक हम बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक मतलब हम मॉलिकुलर लेवल पर जाके स्टडी करते हैं। एक कॉलेज है, कॉलेज में बच्चे हैं, वहां से ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स का डाटा निकाल के लाते हैं, दैट इज माइक्रो लेवल स्टडी। लेकिन अगर हमसे माइक्रोस्कोपिक की बात करें तो हम मतलब एवरेज बिहेवियर की बात करते हैं। और ये जो माइक्रोस्कोपिक लेवल है, जब हम यहां से ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल की बात करते हैं, इसी वजह से हम इसको स्टैटिस्टिकल अप्रोच बोलते हैं, इसीलिए हम लोग इसको स्टैटिस्टिकल अप्रोच बोलते हैं। और स्टैटिस्टिकल अप्रोच की वजह से हमने जस्ट बोला कि ईच सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल की बिहेवियर, इसलिए हम बोलते हैं कि सर सिंगल मॉलिक्यूल बिहेवियर मतलब लो डेंसिटी। लो डेंसिटी का मतलब क्या, लो डेंसिटी का मतलब हाई एल्टीट्यूड। ठीक है, लो डेंसिटी का मतलब हाई एल्टीट्यूड पे हम लोग इसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, आपसे जस्ट पूछेगा कि इसमें लैग्रेंजियन अप्रोच लगाते हैं या यूलेरियन अप्रोच लगाते हैं, आप तुरंत बोलोगे सर इसमें लैग्रेंजियन अप्रोच लगाते हैं, इसमें लैग्रेंजियन अप्रोच लगाते हैं। अगर मैक्रोस्कोपिक की बात करें तो यस हम एवरेज बिहेवियर की बात करते हैं, इसीलिए हम इसको क्लासिकल अप्रोच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं, इसीलिए हम इसको क्लासिकल अप्रोच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। ठीक है, सो ये तो था आज का बेसिक कॉन्सेप्ट, हमने आपको जस्ट कुछ भी नहीं किया, मैंने आपको जस्ट आज बेसिक बताया है। सबसे पहले हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द एनर्जी ट्रांसफर एंड इट अफेक्ट्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस, और एनर्जी के दो मीडियम ये फर्स्ट इज हीट एंड वर्क, हीट एंड वर्क आर नॉट एनर्जीज, दीज आर टू मीडियम टू ट्रांसफर द एनर्जी। दो मीडियम ये डिसऑर्गेनाइज्ड अनप्यूरिफाइड, वर्क ऑर्गेनाइज्ड प्यूरिफाइड। इसके बाद हम लोगों ने यहां से सिस्टम सराउंडिंग सिस्टम, द रीजन अपॉन व्हिच स्टडीज फोकस इज नोन एज सिस्टम, सराउंडिंग एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग, बाउंड्री रिजिड फ्लेक्सिबल रियल इमेजिनरी कुछ भी जो सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग की बात करता है, एंड होल कॉम्बिनेशन इज नोन एज यूनिवर्स। दिस इज व्हाट माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, व्हाट स्टैटिस्टिकल अप्रोच, लो डेंसिटी पे मिलती है, कहां पे मिलती है, हाई एल्टीट्यूड, एंड द अप्रोच व्हिच इज यूज्ड दैट इज लैग्रेंजियन, एंड दिस इज नोन एज क्लासिकल अप्रोच। सो ये तो था आज का कॉन्सेप्ट, आई होप आप इसको धीरे धीरे हम लोग जैसे पढ़ेंगे तो आप इसको एंजॉय करते जाएंगे, वन बाई वन ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, रिवाइज करेंगे पूरी की पूरी थर्मोडायनेमिक्स इन 4 hours। ओके, दिस इज माई कोड, अगर आप अकेडमी प्लस में आना चाहते हैं तो यस यू कैन ज्वाइन बाई यूजिंग दिस कोड। ओके, थैंक यू।